That was so adorbs. Where's the तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। सो अभी स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर पे टॉम हॉलैंड ने रिएक्ट किया। अ काइंड ऑफ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन नो वे होम को रुइन करने ही वाले थे। इसके अलावा जेमी फॉक्स ने वापस से तीनों स्पाइडरमैन को टीज किया है, प्लस स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ नए IMAX ट्रेलर्स और कुछ नए टीवी स्पॉट्स रिलीज हुए हैं, जिन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड के ट्रेलर रिएक्शन वीडियो के ऊपर। सो बेसिकली ज़ेंडाया, नेड और टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर पर रिएक्ट कर रहे थे, और इसी रिएक्शन वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए टॉम हॉलैंड ने नियरली ये कंफर्म कर दिया था कि टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड हमें इस मूवी में देखने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि कैसे जिस सीन के अंदर टॉम हॉलैंड इलेक्ट्रो और सैंडमैन से लड़ रहा है, उस सीन को बेसिकली एडिट किया गया है, और उस सीन के अंदर से डेफिनेटली एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को रिमूव किया गया है। इस चीज के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाकर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। तो इस सीन को देखते हुए और इस सीन पर रिएक्ट करते हुए टॉम हॉलैंड ने कहा था वेयर्स द, तो यहाँ पे शायद टॉम हॉलैंड कहना चाहते थे कि वेयर्स द अदर स्पाइडरमैन। शायद टॉम हॉलैंड ने भी इस रिएक्शन वीडियो से पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 को नहीं देखा था। जब टॉम हॉलैंड ने देखा कि इस सीन से एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन को रिमूव कर दिया गया है, तो टॉम हॉलैंड भी बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे। तो आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिखता ना भूले। तो चलिए अब बात करते हैं जेमी फॉक्स के बारे में। तो जेमी फॉक्स बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो को रोल प्ले करने वाला है। अब बहुत लोगों का ये मानना है कि इस मूवी में जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो आर्क रिएक्टर को यूज कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो के चेस्ट पे हम आर्क रिएक्टर जैसे किसी चीज को देख सकते हैं। तो इस चीज के बारे में मैं किसी डिफरेंट वीडियो में बात करूंगा। प्लस क्यों इलेक्ट्रो डॉक्टर ऑक्टोपस में हमला कर रहा है, और क्या डॉक्टर ऑक्टोपस सच में एक विलन है, इसके बारे में भी मैं एक डिफरेंट वीडियो में बात करूंगा। पर इस वीडियो में चलिए बात करते हैं जेमी फॉक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट के एक पोस्ट के बारे में। तो कल जेमी फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट की बेसिकली थंडर स्टॉर्म की, और उसके कैप्शन में लिखा चेजिंग द स्पाइडर्स, बेसिकली हिंटिंग दैट कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें 3 स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं। नहीं तो यहाँ पे जेमी फॉक्स को चेजिंग द स्पाइडर लिखना चाहिए था। इससे पहले भी जेमी फॉक्स ने तीनों स्पाइडरमैन की फोटोज को पोस्ट करके रखा है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया था। अब बेसिकली जेमी फॉक्स और अल्फ्रेड मोलिना ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने काइंड ऑफ ये कंफर्म किया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक स्पाइडरवर्स की मूवी होने वाली है। तो ये तो बात हुई जेमी फॉक्स की। चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के नए ट्रेलर्स के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का एक नया टीवी स्पॉट अभी सामने आया है, जिस टीवी स्पॉट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को और पीटर पार्कर को लड़ते हुए देख सकते हैं। इस टीवी स्पॉट में हम देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल्स का यूज करके स्पाइडरमैन को रोक रहे हैं उस मिस्टीरियस बॉक्स को चुराने से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मल्टीवर्सल प्रिजन है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस सीन के अंदर हो सकता है टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मदद करे इस मिस्टीरियस बॉक्स को चुराने में। पर इस एक्सटेंडेड क्लिप को देखने से ये कंफर्म हो जाता है कि इस सीन के अंदर तो आपको एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर नहीं देखने को मिलने वाले हैं। प्लस स्पाइडरमैन नो वे होम का एक IMAX वर्जन ऑफ ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस IMAX वर्जन ऑफ ट्रेलर के अंदर हमें ग्रीन गॉब्लिन और ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर का एक काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है। आपको ग्रीन गॉब्लिन का नया लुक स्पाइडरमैन नो वे होम में कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। हो सकता है ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन नो वे होम में बेसिकली 2 सूट्स पहने। पहला सूट टॉबी मैग्वायर के यूनिवर्स का ही सूट होगा, जो कि थोड़ा पुराना होगा। हो सकता है मूवी के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपने लिए एक नया सूट बनाए, जिसके लीक्ड इमेजेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर में भी एक शॉट को ऐड किया गया है, जहां पर हम ग्रीन गॉब्लिन के नए कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं, और इस कॉस्ट्यूम के अंदर शायद ग्रीन गॉब्लिन अपना हेलमेट नहीं पहनेगा बल्कि गॉगल्स पहनेगा, और इस कॉस्ट्यूम के ऊपर बेसिकली डिफरेंट पर्पल पैचेस होंगे, और ये कॉस्ट्यूम थोड़ा ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट भी होगा। तो चलिए अब वीडियो एंड करते हैं इटर्नल्स के एक नए पोस्टर के साथ। सो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने हैरी स्टाइल के इरोस का, यानी कि हैरी स्टाइल के स्टार फॉक्स का एक नया पोस्टर रिवील किया है, कंफर्मिंग दैट कि हैरी स्टाइल्स अब MCU का पार्ट बन चुके हैं। और जिन्होंने भी बेसिकली इटर्नल्स का पोस्ट का सीन अभी तक नहीं देखा था, उनके लिए ये पोस्टर एक काफी बड़ा स्पॉइलर है। बाकी अगर आपको इटर्नल्स के पोस्ट का सीन और एंडिंग के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले कि आपको ये नया पोस्टर कैसा लग रहा है हैरी स्टाइल्स का। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।